हेलो यूट्यूब फैमिली, व्हाट्सएप कैसे हैं आप? आई होप ऑल यू गाइस आर वेल। तो गाइस, आज मैं हाजिर हो चुका हूँ आपके पास एक और नए ब्लॉग के साथ, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा सा अच्छा होने वाला है। और वीडियो देख रहे हो तो लाइक तो करना पड़ेगी, और साथ में नीचे जो सब्सक्राइब है ना वो भी दबा दो, और सब्सक्राइब के बगल वाला बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो गाइस, आज मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ सबके फेवरेट और सबसे ट्रेंडिंग फूड, इट्स बर्गर बड़ी। यस गाइस, आज होने वाला है बर्गर किंग का रिव्यू। गाइस, आज हम करेंगे बर्गर का रिव्यू, और आज हम ट्राई करने वाले हैं यहीं से इसको, और आपको बताते हैं कि क्या ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, और प्राइस के हिसाब से जज कर रहा है कि नहीं। तो चलिए गाइस, मैं सो करता हूँ अनबॉक्स इन फ्रंट ऑफ यू। यू कैन सी दिस गाइस, सील पैक्ड है, और आज हमने ऑनलाइन ट्राई किया है क्योंकि काफ़ी गर्मी हो गई है बाहर, और पटना के लिए आज हमने ऑनलाइन ट्राई किया है। तो गाइस, हमारी अनबॉक्सिंग हो चुकी है, काफ़ी अच्छी अनबॉक्सिंग हुई है। तो फर्स्टली टिशू, यू कैन सी दिस गाइस, बर्गर किंग का टिशू, एंड सेकेंडली इट्स दिस वन, इट्स बर्गर वेज क्रंची वॉल्केनो। गाइस, ये बर्गर बड़ी का वॉल्केनो है, बर्गर बड़ी का ज्वाला। दिस इज द केचप, एंड हियर इज द मेन थिंग, बर्गर। गाइस, ये हमारा बर्गर है, एंड चेक आउट, और इसमें हमारे किसी काम करेंगे तो जस्ट विदिन थ्रू। ये हमारा बर्गर है, और क्रिस्पी वेज बर्गर मंगवाया मैंने, और ये मैंने मंगवाया है वेज क्रंची वॉल्केनो। तो गाइस, मैंने ट्राई किया, वैल्यू फॉर मनी आपके लिए छोटा सा ब्रंच बताया जाए, क्योंकि कॉम्पिटिशन चलता है मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, बर्गर बड़ी और बहुत सारी। तो आज हम ट्राई कर रहे हैं बर्गर किंग को। सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ बर्गर। चलिए गाइस, हियर इज इट। तो गाइस, ये बर्गर है, और इस बर्गर की अनबॉक्सिंग हो चुकी है, और ये हमारा बर्गर है गाइस, और बर्गर मेरे हिसाब से मेरी मेरे लिए 40 या 50 के आसपास पड़ा है अप्रॉक्स। और बर्गर किंग का बर्गर 40-50 के हिसाब से अनाज मनी है, अनाज है, जस्ट चेक आउट। तो डिसेंट सी इसमें फिलिंग है, केचप है, बर्गर सॉसेज है, और एक पैटी है, आलू पैटी, और ऑनियन फिलिंग है बस, और ये हमारा बन है। बन भी नॉट बैड, यू नो गाइस, एवरीवन लव केचप विद बर्गर, सो यू नीड टू ट्राई दिस। एंड गाइस, दिस इज द बर्गर, एंड यू वांट ट्राई गाइस, लेट्स गो। एक रीसेंट टेस्ट है, बहुत अच्छा, या बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि माउथ वाटरिंग वाला टेस्ट हो, या फिर कुछ यूनिक हो, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सा टेस्ट है जो बर्गर का रहता है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बेकार टेस्ट है, नहीं, एक रीसेंट वेल मनी के हिसाब से ओके है। मीन्स जो फिलिंग है, जो पैटी रखी है अंदर, वो सिंपल आलू है, सिंपल जैसे आलू की पैटी होती है, जैसे आप, अगर मैं उसको कंपेयर कर सकता हूँ वड़ा पाव से। द टेस्ट ऑफ द पैटी इज लाइक वड़ा पाव, जो अंदर का उसके अंदर वड़ा होता है उस टाइप का टेस्ट है, बट नॉट बैड, डिसेंट है, और इट्स ओके। अब टाइम आ चुका है वेज क्रंची वॉल्केनो का, और चलिए अब इसको ट्राई करते हैं, और द अनबॉक्सिंग ऑफ वेज क्रंची वॉल्केनो। एंड सो गाइस, ये हमारा क्रंची वॉल्केनो है, और यू कैन सी दिस गाइस, इसमें भी कुछ इस प्रकार की फीलिंग है। और जब मैं आपको बताऊँ एक बात, तो इसमें मुझे बर्गर से ज़्यादा अच्छी फीलिंग लग रही है, और मेरी एक्सपेक्टेशन इससे काफ़ी है, ये टेस्ट में अच्छा होना चाहिए, और ये गाइस के हिसाब से काफ़ी ठीक है। और मैं अभी इसको टेस्ट करता हूँ और बताता हूँ आपको कि इट्स वैल्यू फॉर मनी और नॉट, बट गाइस की फीलिंग तो काफ़ी अच्छी लग रही है, और अगर कंपेयर करें बर्गर से, तो बर्गर से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी फीलिंग है इसकी। और ये एक जैसे मीन्स था, जैसे थेपला होता है ना, थेपला को राउंड अप करके उस टाइप में इसको बनाया गया है। तो चलिए, लेट्स ट्राई द वेज क्रंची वॉल्केनो, एंड हियर इज आउट। जनरली बताऊँ मैं आपको, मुझे कई हद तक ये बर्गर से काफ़ी अच्छा लगा,
और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। सर एक वेजी से है मतलब की पत्ता गोभी की, ऊपर से पत्ता गोभी फिलिंग ऑनियन की फिलिंग है ऊपर के साथ में, जो उनका बर्गर सॉस है या पिज्ज़ा सॉस कह सकते हैं वो है, और चिली फ्लेक्स वगैरह है इसमें। और अंदर जो छोटा सा मिक्सचर है वेजीज का, जो एक बैटर है इनका, वो थोड़ा सा टेस्ट अच्छा दे रहा है। और जो इसका गाइस आउटसाइड की फिलिंग है ये काफ़ी क्रंची है, सही नाम है इसका क्रंची वोल्केनो, और काफ़ी अच्छा टेस्ट है। अगर मैं बात करूँ इसकी और बर्गर की, तो बर्गर से इट्स मच बेटर। तो गाइस बर्गर और वोल्केनो का, क्रंची वोल्केनो का रिव्यू आप देख ही चुके हैं, और अगर मैं आपको प्राइस बताऊँ तो गिव मी द बिल यार। तो गाइस ये हमारा बिल है, और अगर मैं आपको बताऊँ तो इसकी जो वेज बर्गर है गाइस वो 55 रुपीज़ का है, और 55 रुपीज़ का वेज बर्गर एक तो ओके, अगर मैं उसको अपने हिसाब से बताऊँ तो उसका MRP होना चाहिए था 35 to 40, और अप्रॉक्स 45 भी होते हैं 10 रुपीज़ हो सकता है शायद चार्जेज है, बट 45-40 MRP इट्स डिसेंट फॉर द बर्गर। एंड गाइस जो हमारा वेज क्रंची वोल्केनो है इट्स 60, और थोड़ा सा प्राइस इसका भी हाई था 50 के हिसाब से। ये गाइस 50 के हिसाब से वेज क्रिस्पी वोल्केनो भी काफ़ी अच्छा हो सकता था, बट ओके है। तो डिसेंट से बताऊँ तो वेज बर्गर इट्स ओके, जो बर्गर किंग का क्रिस्पी वेज बर्गर है वो डिसेंट सा है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि टेस्ट बहुत ख़राब है, वो भी काफ़ी लोगों का टेस्ट हो सकता है, बट अगर मैं उसको कंपेयर करूँ वेज क्रंची वोल्केनो काफ़ी अच्छा है, और बर्गर भी काफ़ी अच्छा है, बट थोड़े से प्राइस उनकी थोड़े थोड़े हाई है। और अगर थोड़ा सा मैं ये जवान हूँ कि काफ़ी अच्छी वैल्यू की मानी है, और वेज क्रंची वोल्केनो तो सच में काफ़ी टेस्टी है, और मैं आपको कहूँगा एक बार जरूर उसको ट्राई करो और चेकआउट करो। और फिर इसी के साथ मैं क्या करता हूँ इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ, और फूड वीडियोज के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन बजाना ना भूलें। तो गाइस गाइस मैं इसके साथ आपसे मिलता हूँ आगे नेक्स्ट वीडियो में, और गाइस इसी के साथ, तो गाइस इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ फिनिश करता हूँ, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को पसंद आया हो तो आपको करना है लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और साथ ही गाइस ऐसे ही फूड वीडियोज़ मेरे चैनल में पड़े हुए हैं, तो यू कैन चेकआउट, आई प्रेजेंट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, सो दैट यू कैन टू चेकआउट। और तो गाइस इसी के साथ हम मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक। जल्दी पसंद लेके जाऊँगी।